ना निकाह ना साथ फिरे, फिर कैसे हुई सोनाक्षी की शादी? भाई बहनों में सब ठीक तो है ना। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और एक्टर जहीर इकबाल शादी के बंधन में बन चुके हैं। दोनों ने रविवार को शादी कर ली। दिलचस्प बात यह रही कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने हिंदू या मुस्लिम रीति रिवाज से नहीं बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है, जिसे सिविल मैरिज भी कहते हैं। आइए समझते हैं कि सिविल मैरिज क्या है, कब और किस मामले में सिविल मैरिज या स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होता है और क्यों, और भारत में सवाल ये सबसे पहले कि कितनी तरह की शादियां होती हैं। भारत में मुख्य तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म हैं और सबके अपने पर्सनल लॉज यानी कि व्यक्तिगत कानून हैं। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो शादी, तलाक और विरासत जैसे निजी मामलों के लिए हर धर्म का अपना कानून है। उदाहरण के लिए हिंदुओं की शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है और इस कानून में कई विधि विधान का जिक्र है, जिसे पूरा करने के बाद ही विवाह को वैध माना जाता है। उदाहरण के तौर पर सप्तपदी, जिसके एक आवश्यक अनुष्ठान का नाम भी जिसे दिया गया है। मुस्लिमों की बात करें तो इसी तरह मुस्लिमों के लिए डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है। मुस्लिम निकाह में दोनों पक्षों की लिखित और गवाहों की मौजूदगी में सहमति बेहद ज़रूरी मानी जाती है, जिसे कबूलनामा भी कहते हैं। निकाह के दौरान लड़का और लड़की दोनों को मौखिक और लिखित कबूलनामा देना पड़ता है, सहमति देनी पड़ती है, निकाहनामे पर दस्तखत करने होते हैं और तभी निकाह को वैध माना जाता है। हिंदू और मुस्लिमों की तरह इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है, जो ईसाइयों पर लागू होता है और इसमें भी कई परंपराओं और रीति रिवाजों का जिक्र है, जिससे विवाह वैध माना जाता है। अब सिविल मैरिज एक्ट क्या है जो सोनाक्षी और जहीर ने की है, ये क्या है? ये तो हो गई अलग अलग धर्मों की बात। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आदर्श तिवारी बता रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई कपल अलग अलग धर्म का है या फिर एक ही धर्म का है, लेकिन फिर भी अपने धर्म के अनुसार शादी वो नहीं करना चाहते हैं। इस केस में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी होती है और इसे सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत भारत और विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक शादी कर सकते हैं, भले ही उनका धर्म, पंथ या मान्यता अलग अलग ही क्यों ना हो। एडवोकेट तिवारी ये भी कह रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में किसी खास धर्म का कोई रीति रिवाज फॉलो नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी कर रहा है तो उसे सप्तपदी फॉलो करना अनिवार्य है। मुसलमानों में कबूलनामा जरूरी है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रार के सामने ये शादी होती है, दस्तावेज पर दोनों के दस्तखत होते हैं, फोटो लगते हैं, पहचान पत्र लगते हैं और इस शादी के दो गवाह भी होते हैं। रजिस्ट्रार शादी का सर्टिफिकेट भी प्रदान करता है। अब स्पेशल मैरिज एक्ट की खास बातें क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये अधिनियम धार्मिक रीति रिवाजों या परंपराओं से स्वतंत्र एक सिविल विवाह की अनुमति देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट सभी भारतीय नागरिकों पर लागू भी होता है, चाहे उनका धर्म कोई भी क्यों ना हो। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक ही शादी करे। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी रजिस्ट्रार अथवा मैरिज ऑफिसर के सामने होती है और वही सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं। कपल को अपना पहचान पत्र उन्हें देना होता है, तीन गवाहों की दरकार होती है, ज़रूरत होती है और शादी के लिए पुरुषों का 21 साल का और महिलाओं के लिए 18 साल का होना बेहद ज़रूरी है। दोनों पक्ष अपनी पूर्ण सहमति इस दौरान देते हैं। कपल को रजिस्ट्रार को 30 दिन का नोटिस भी देना पड़ता है और उस दौरान शादी पर आपत्तियाँ उठाई जा सकती हैं। अधिकारी को कोई अगर आपत्ति इस पर मिलती है तो 30 दिनों के भीतर उसकी जांच करना होती है और यदि आपत्ति वैध है तो फिर विवाह वैध नहीं होगा। पहले भी वैसे बता दें कि कई स्टार सिविल मैरिज कर चुके हैं। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल बॉलीवुड के पहले कपल नहीं हैं जिन्होंने सिविल मैरिज की है। पहले भी कई तमाम बॉलीवुड स्टार्स इसी तरीके से शादी कर चुके हैं, जैसे कि करीना कपूर को ले लीजिए, सैफ अली खान को ले लीजिए, उन्होंने भी ऐसी शादी की। सोहा अली खान और कुणाल खेमू को देख लीजिए, संजय दत्त और मान्यता दत्त ने भी ऐसी शादी की और किशोर कुमार और मधुबाला की शादी भी ऐसे ही हुई थी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी रचा चुके हैं। कपल ने 23 जून कोर्ट मैरिज की और शादी के बाद कपल ने ग्रैंड रिसेप्शन भी होस्ट किया था। लेकिन सवाल ये कि पार्टी में सब ठीक है क्या? पार्टी में फैमिली, फ्रेंड्स और कई बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की थी। शादी के दौरान सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा को भी देखा गया, लेकिन शादी से सोनाक्षी के दोनों भाई लव सिन्हा और कुश सिन्हा
मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही शादी में होने वाली रस्मों में दोनों भाइयों ने कोई भूमिका अदा नहीं की। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही थी कि भाइयों और बहन के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं। सोनाक्षी के भाई और शत्रुघ्न सिन्हा के लाडले कहे जाने वाले लव ने इस पर रिएक्शन दिया और एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कृपया एक दो दिन का वक्त दें, अगर उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं तो आपके सवाल का जवाब वो देंगे। पूछने के लिए धन्यवाद। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान लव ने इन सवालों को टाला नहीं और ना ही उन्होंने अफवाहों का कोई खंडन किया। ऐसे में फिर से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोनाक्षी ने अपने परिवार को खफा कर जहीर संग कोर्ट मैरिज की है। हालांकि अभी तक इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि जब से सोनाक्षी और जहीर इकबाल की शादी की तारीख सामने आई थी तब से ये अटकलें ही लगाई जा रही थी कि शादी से सिन्हा परिवार में खुशी नहीं थी, परिवार के लोग खुश नहीं थे। सोनाक्षी के दोनों भाई लवकुश उनसे नाराज थे, लेकिन शादी में पूरा परिवार शामिल हुआ था, दिखाई भी दिया था। सोनाक्षी के दोनों भाई लव और कुश जरूर नजर नहीं आए, लेकिन बिहार में इस शादी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, सियासत गरमा रही है। एक हिंदुवादी संगठन ने इस शादी के विरोध में बाकायदा पोस्टर लगवा दिए हैं जिसमें लिखा है कि सोनाक्षी और जहीर की शादी देश के इस्लामीकरण की कोशिश है और शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी पर तुरंत फिर से विचार करें। साथ ही यह भी पोस्टर में लिखा गया कि सोनाक्षी को पूरे बिहार में कहीं घुसने नहीं दिया जाएगा। यह पोस्टर हिंदू शिव भवानी सेवा की ओर से लगाया गया। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक कुमार सिंह हैं जिन्होंने पोस्टर जारी किया और सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में प्रवेश न करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि शत्रुघ्न सिन्हा को चाहिए कि वो इस शादी पर फिर से विचार करें, वरना अपने घर का नाम रामायण और बेटों का नाम लव और कुश से बदल दें। पोस्टर में चेतावनी दी गई, उसका दल सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में घुसने नहीं देगा।